तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। फाइनली BGMS कुछ घंटों में शुरू होने वाला है, बट उससे पहले सभी टीम्स के रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लाइनअप्स के बारे में। तो गाइस, परसों की वीडियो में मैंने आपको कार्निवल गेमिंग के रिलेटेड पूरा मैटर एक्सप्लेन किया था। बेसिकली जहां पर ये न्यूज थी कि BGMS में कार्निवल गेमिंग के IGL होने वाले हैं हेक्टर। एंड गाइस, वो न्यूज अब क्लियर भी हो गई क्योंकि नोडविन की तरफ से हमको एक पोस्ट देखने को मिला था। कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, गोब्लिन, एस्पावर, न्यू एंड हेक्टर। तो लुक्स लाइक गाइस, ओमेगा यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं, हेक्टर इज गोइंग टू बी द IGL। द नेक्स्ट लाइनअप है गाइस ग्लोबल ई-स्पोर्ट की, यहाँ पर हमको मवी देखने को नहीं मिल रहे हैं, विच मींस कि टीम में कोई और प्लेयर ही IGL करने वाला है। इसके बाद गाइस हमको टीम सोल की लाइनअप देखने को मिली, जहाँ पर सौम्य भी है, देन टीम गॉड लाइक, ऑफ कोर्स जहाँ पर होने वाले हैं जेली, ज़िगोर्ड, जोनाथन, एडविनो एंड पंक। एंड गाइस, टीम सोल के बारे में बात कर रहे हैं तो सोल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से जो हमको एक पोस्ट देखने को मिला था, वहां पर हमको सौम्य देखने को नहीं मिले थे। तो अभी तक हमको टीम सोल की तरफ से उनकी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है, जिसके रिलेटेड थक भाई भी रिएक्ट किए थे। अब देखिए सौम्य अनाउंसमेंट, अभी अनाउंसमेंट नहीं होगा गाइस उसका, अभी करेंगे। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉडलाइक के बारे में, जिनका नेम हो चुका है चेंज फॉर BGMS एंड आफ्टर। तो न्यू टीम गॉडलाइक का नेम क्या होने वाला है, अब देखिए। एंड इसके बाद गाइस, जो BGMS में हमको फर्स्ट वीक देखने को मिलने वाला है, उसके ग्रुप्स भी रिवील हो चुके हैं, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। ग्रुप ए देन ग्रुप बी, जिसमें हमको देखने को मिलेंगे टीम सोल, मोगो ई-स्पोर्ट, टीम एंटिटी, टीम कार्पेडाइम। देन ग्रुप सी में होने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम, गॉडलाइक, टीम रेवेनेंट, कार्निवल गेमिंग एंड टीम ओरेंगुटेन। ग्रुप डी में होने वाले हैं वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, ग्लोबल ई-स्पोर्ट, टीम एक्सपार्क एंड टीम 8bit। एंड बाकी अदर टीम्स भी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। देन इसके बाद गाइस, हमको डे वन पर दो मैचेस देखने को मिलेंगे, इरेंगल एंड मीरामा। एंड साथ ही में गाइस, क्या BGMS के लैन इवेंट पर हमको कोई भी ऑडियंस देखने को नहीं मिलेगी। वेल, ये चीज के बारे में स्काउट बात किए, आप देखिए। ओनली इफ ऑडियंस इज अलाउड, अरे यार अनफॉर्चूनेटली ऑडियंस अलाउड नहीं है। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGMS प्लेयर लेजिट के रिलेटेड। तो गाइस, पहले ये टीम मायावी का पार्ट थे, देन दे जॉइंट टीम मेगा स्टार्स, जिनको BGMS के टाइम पर क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट बैन पैन की कैटेगरी में ऐड कर दिए थे, ये लिखते हुए कि ये टीम्स अनऑथराइज सॉफ्टवेयर एंड चीटिंग डिवाइस का यूज कर रहे थे। तो इसके बाद गाइस, कल हमको एक स्क्रीन शॉट वायरल होता हुआ दिखा, जहाँ पर ये सेम प्लेयर लेजिट टीम TWOB के साथ में खेल रहे हैं। एंड स्क्वाड में आप उनका नेम भी देख सकते हो, TWOB एक्स लेजिट। तो ये चीज को शेयर करते हुए स्नेल अपनी स्टोरी से ये लिखे, Got officially banned but still playing from team WOB. अब तो official ban का भी फायदा नहीं रहा, क्राफ्टन जिनको ban कर दिए थे वो अभी भी team TWOB की तरफ से खेल रहे हैं। Why is he getting another chance and क्यों TOs इनको खेलने के लिए allow भी कर रहे हैं। तो इसके बाद गाइस, TWOB के प्लेयर प्रिंस ये चीज पर रिप्लाई किए, वो स्टोरी में लिखा गया था कि TM Legit जो है उसको TWOB वाले क्यों खिला रहे हैं। अब मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ कि ये पर्टिकुलर प्लेयर बैन हुआ है नहीं, जो भी बैन हुआ है, कौन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, आप प्लीज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद आप कुछ ऐसी स्टोरी डालो, है ना। दूसरी बात कि TM में से सिर्फ ब्लैक्स अलाउड नहीं है कहीं भी खेलने को, उसके बाकी चारों प्लेयर्स कहीं भी खेल सकते हैं या नहीं है। मैं इसके ट्रायआउट ही लेता था लेजिट के, मैंने इसके ट्रायआउट लिया है, अभी तक मैं ट्रायआउट ले रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं कि वो कैसा खेल रहा है। मैंने उसको बूट कैंप पे बुलाया कि बूट कैंप पे बैठ के मैं उसके सामने देखी वो कैसा खेलता है, उसके लिए मैं उसको बूट कैंप भी बुलाया है, बूट कैंप बुला के मैं देख रहा हूं उसको और वो अच्छा खेल रहा है। हमने जिससे परमिशन चाहिए थी सबसे परमिशन ले ली है और उसी हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। एंड जस्ट लाइक गाइस, प्रिंस के कि अभी उनको टीम में नहीं लिया है, जस्ट ट्राई आउट ले रहा था। तो ये चीज पर स्नेल ये लिखे, लेकिन लेजिट फिर भी नेम चेंज कर चुका था, और अगर अच्छा खेलता तो क्या केवल ट्राई आउट से लेते रहते, उसको टीम में नहीं ले लेते। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है टीम 8bit के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है थग भाई की तरफ से। तो प्रीवियस एक वीडियो में गाइस हमने देखा था, जहाँ पर 8bit जूसे के इंस्टाग्राम पर हमको 8bit का मेंशन देखने को नहीं मिल रहा था, जिसके बाद गाइस आज को एक जन थग भाई से टीम 8bit के रिलेटेड पूछे, जिस पर वो ये कहे, 8bit ई-स्पोर्ट शटडाउन अभी तक डिसीजन कुछ ऐसा लिया नहीं है, डेसमंड जितना मुझे पता है दे आर स्टिल विद मर्सी। एंड गाइस, थक भाई बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट एंड मवी के रिलेटेड। तो प्रीवियस दो वीडियोस में गाइस हमने देखा था, जहाँ पर स्काउट एंड मवी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को एक्सप्लेन किए थे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन पास्ट। तो यही चीज के बारे में गाइस आज थक भाई भी बात किए, आप देखिए। मवी के बारे में दो शब्द इनडायरेक्टली बहुत बज रहा है आजकल, किसके लिए बज रहा पता नहीं, मेरी तो अभी सुबह बात हुई, ठीक है, और रोजी होती है, वो अगर बज भी रहे तो अपने लिए, किसी के लिए तो नहीं बज रहा। बाकी आपको पता है कम्युनिटी में बहुत लोग बहुत कुछ इधर उधर जाके बोल देते हैं, तो उसके लिए बज रहा होगा। मवी बढ़िया चल रहा है, मवी स्काउट कोई मैटर नहीं है भाई, वो फैन पेजेस ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया, मवी और स्काउट का कोई मैटर नहीं चल रहा, कुछ वहाँ पे गड़बड़ है।
वो आई थिंक कुछ स्लॉट का मैटर हुआ था, तो उसमें मैं भी स्काउट की बात नहीं कर रहा था या टीजी की बात नहीं कर रहा था, तो वो तो आपको पता है फैंस को थोड़ा सा टिक कराना तो कराते रहते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के ऑफिशियल अवार्ड्स फैशन के दीवाने के बारे में। तो फाइनली इसके रिजल्ट हमको मिल चुके हैं, इसके विनर बने हैं डायनेमो गेमिंग, नंबर 2 पर है स्नैक्स, नंबर 3 पर है पायल गेमिंग। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स एंड स्पेसिफिकली हेक्टर की तरफ से। तो फाइनली गाइस हेक्टर रिप्लाई किए ही बीइंग आईजीएल। अब देखिए तो कौन का इसका रिप्लेसमेंट फिर अब कौन है, मेजी की तरफ से जोनाथन के रिलेटेड एक ट्वीट में वो ये लिखे, इजीएस्ट कंटेंट इन बीजीएमआई ई-स्पोर्ट्स व्लॉगिंग, जोनाथन का फेस मस्त है। देन नेक्स्ट एक और ट्वीट में कहे जोनाथन के रिलेटेड वो ये लिखे, जोनाथन अगर इस बीजीएमएस का एमवीपी बनता है तो 5 लोगों को फ्री आरपी गिफ्ट करूंगा। तो यार गाइस अब लेट्स सी क्या जोनाथन बीजीएमएस के एमवीपी बन सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के 3.3 अपडेट के बारे में। तो फाइनली गाइस आप सबकी बीजीएमआई के देवता ने सुन लिया, ये अपडेट आ चुका है एंड इसके जो कुछ टॉप फीचर्स हैं आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, स्टेज एंड आइटम्स। बट साथ ही में गाइस हमको कुछ क्लासिक मोड में चेंजेस भी देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस जो रुइंस में हमको बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी उनको बीजीएमआई ने अपडेट किया है, अब आपको एक क्लियर व्यू देखने को मिलेगा एंड साथ ही में वहाँ पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई है। एंड गाइस नेक्स्ट एक बड़ा अपडेट है स्टाइल बर से, बेसिकली यहाँ पर पहले बिल्डिंग्स टूटी हुई रहती थी, फाइनली बीजीएमआई उनको बना दिए हैं एंड न्यू लेआउट को भी गाइस आप देख सकते हो, ऑब्वियसली अब यहाँ पर लूट भी ज्यादा मिलेगी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है बीजीएमएस के रिलेटेड जो भी निकल कर आती है हमारे सभी प्लेयर्स की तरफ से। तो बीजीएमएस इस बार आप कहाँ एंड कैसे देख सकते हो इस पर सभी प्लेयर्स ये कहे। I'm Scott from Team Zero. Hey guys, I'm Mandy Opie from Team Tamras. Hey guys, I'm Venom from Team Godsend. Hi guys, my name is Jelly from Team Godling Esports. We are ready to compete at Battlegrounds Mobile Master Series. My team is ready to give our best and win the trophy. And as our fans, we need you guys to support us. Watch the matches live on Star Sports 2, Star Sports First, and Not Win Gaming YouTube channel from 19th of July at 7 PM. और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है थक भाई की तरफ से, वो बात के स्नैक्स गेमिंग की वीडियो डिलीट के रिलेटेड। ऑलरेडी गाइस इसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, बेसिकली यहाँ पर स्नैक्स एक वीडियो अपलोड किए थे, इट वाज अ प्रैंक वीडियो जो कि काफी लोग नहीं समझ पाए थे जिसके रिलेटेड वो हेट स्प्रेड कर रहे थे। तो ये चीज के बारे में आज थक भाई भी बात करते हुए ये कहे, भाई स्नैक्स वीडियो डिलीट का बात ऐसा, उसमें थोड़ा ऑडियंस ने गलत रिएक्ट किया, इट वाज बिटवीन टू फ्रेंड्स, इतना आप लोग डुओ डुओ करते हो फिर एक वीडियो पे ऐसा भर के हेट दे दिया उसको, इतना सेक्सी वीडियो था उसका वो, बट छोड़ो कोई पॉइंट नहीं है। Godlike में सभी अलग अलग क्यों चले गए हैं, अपने अपने डिसीजंस होते हैं लाइफ में, आप किसी एक चीज को पर्टिकुलर चीज को एक साथ एक हद तक रख सकते हैं, एक लिमिट होती है, हर चीज की एक्सपायरी होती है, समझ लो मेरी एक्सपायरी आ चुकी थी, बट फिर भी एक्सपायरी ना आके भी मैं अभी भी Godlike का पार्ट हूँ एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल के एक अपडेट के रिलेटेड। तो गाइस लैम्बोर्गिनी कार स्किन काफी लोग को पसंद आती है, तो वो PUBG मोबाइल में वापस आने वाली है, इसके बारे में वो एक वीडियो शेयर किए थे। तो यार गाइस अब लेट्स सी क्या कुछ टाइम बाद ही हमको बीजीएमआई में भी देखने को मिल सकता है। एनीवेज नेक्स्ट एक ई-स्पोर्ट्स से अलग न्यूज है, हम लोग बात करने वाले हैं आईसो स्पीड के बारे में। तो गाइस आईसो स्पीड अपनी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में जंप कर दिए एक कैनाल के अंदर एंड लिटरली भाई वो काफी हाइट से बैक जंप कर दिए। अब देखिए गाइस देखिए कौन सा क्रिएटर कहाँ पे एक्टिव है नहीं है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे मत पूछो, ठीक है। एक लेवल तक ही मैं दिमाग लगा सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं लगा सकता, सबकी अपनी इच्छा। स्पेसिफिकली वाइपर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जिसका भी जो भी अपना हालत खराब कर रखा है वो उनके खुद के ऊपर है, अब मेरे ऊपर कुछ नहीं है। इतना समझा सकते थे हम लोग ने समझा दिया, जिसको जो करना है करें, जो अच्छा कर रहे हैं मैं अभी उन पर फोकस कर रहा हूँ। इतने साल हो गए यार, इतने चार चार पाँच पाँच साल हो गए, यही थोड़ी करेंगे हमारे को आधा डिप्रेशन में डाल देते हो ये बोल बोल के, इसको बोल दो उसको बोल दो। गाइस कितने लोग अच्छा भी तो कर रहे हैं, जाके उनको देखो ना जो समय के साथ बदल रहे हैं, कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जिनका जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो अपने आप आएंगे लाइफ।
तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।